बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन ब्यूटी। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। बहुत सारी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए। व्यूवर्स, कॉटन के बेबी फ्रॉक के डिज़ाइनिंग के बहुत सारे आइडियाज़ लिख रही हूँ आज की इस वीडियो में। कॉटन और लॉन के, जिसने भी अपने बेबीज़ के लिए, बेबी गर्ल के लिए फ़्रॉक बनाने हैं, टॉप बनाने हैं और स्टिचिंग करवाने के लिए आप लोगों को डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ चाहिए, तो मेरी इस वीडियो में काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं। अब वैसे विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला है, समर सीज़न तकरीबन एंड है और शायद आप लोग अब सिर्फ कॉटन के ही फ्रॉक बनाएंगे। कॉटन के बेबी फ्रॉक आप स्लीवलेस बना लें और जब विंटर का सीज़न ज़्यादा सर्दियों का हो तो आप उसके साथ नीचे हाई नेक पहना सकती हैं। थोड़ा सा इसको लूज फिटिंग में सिलवाएं, पीछे बेल्ट लगवा लें ताकि अगर ज़्यादा लूज हो तो ईजीली आप हाई नेक के साथ उसको पहना सकें, और जब पीछे बेल्ट होगा तो उसकी फ़िटिंग जो है आपकी बिल्कुल एक जो परफेक्ट होती है वो आ जाती है। पिनटेक्स के साथ डिज़ाइनिंग करना चाहें, आप बेल्ट के साथ डिज़ाइनिंग करना चाहें, फ्रंट से ओपन कर लें, बेल्ट स्लिप के साथ कर लें, आप चाहें तो अम्ब्रेला फ्रॉक सिंपल बना लें और आप इसके साथ कोई भी कलरफुल हाई नेक बना लें, लाइनिंग वाली हाई नेक बनाएं। इस तरह से आप इनके साथ जैकेट भी बना सकती हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा शॉर्ट जैकेट फैशन में इन हैं, आपने देखा भी होगा, मैंने दिखाई भी हैं आप लोगों को पहले अपने ड्रेसिस में, वीडियोस में ड्रेसिस के आइडियाज़, उसमें से आप डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ ले सकती हैं। अगर आप लोगों ने पंजाबी ड्रेसिस बनाना चाह रही हैं अपनी बच्चियों के, तो उसके भी ड्रेसिस के आइडियाज़ मेरे चैनल पर हैं, आप लोग देख सकती हैं वीडियो और आइडिया ले सकती हैं। अब ये ड्रेसिस आप चाहे सिंपल बना लें या आप लेसिस के साथ डिज़ाइनिंग कर लें, पीको के साथ करवा लें इनकी डिज़ाइनिंग, साथ आप इसमें कोई शटर लेस यूज़ कर लें, नेट के साथ आप इनकी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। बहरहाल ये कि बहुत सारे तरीक़ों के साथ आप इनको डिफरेंट डिज़ाइन करवा कर स्टिच करवा सकती हैं। अगर आप फैंसी लुक देना चाह रही हैं तो आप इसमें फैंसी लेस लगवा लें, आप रिबन्स के फ्लावर लगा के डिज़ाइनिंग कर लें, आप चाहें तो जो मार्केट में बने हुए फ्लावर्स मिलते हैं आप वो लगा कर डिज़ाइनिंग कर लें। हर तरह के डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ आप लोगों के सामने हैं, जो डिज़ाइन अच्छा लगे आप उसका स्क्रीन शॉट लेके रख लें और जब आपको स्टिच करवाना हो ईज़िली आप स्टिच करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और जो साथ में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे और आप लोग देखते रहें। इसके अलावा व्यूअर्स, आपने हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो भी देखना हो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए क्या लेकर आऊँ। उम्मीद यही करती हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी और काफ़ी सारे आप लोगों को आइडियाज़ भी मिल गए होंगे। मैं भी अपनी जब बेटियों के लिए ड्रेसेस स्टिच करवाने होते हैं इसी तरह ड्रेसेस के डिज़ाइन सेव कर लेती हूँ, और जब स्टिच करवाने होते हैं तो टेलर को दिखा के स्टिच करवा लेती हूँ या ख़ुद कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ और एक बहुत अच्छे आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।